गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंह। स्टडी विद शुभम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा, हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व किया था, जिसका हमने सीखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना, उसके बाद बैंक अकाउंट बनाना। ये तीनों चीज़ हम लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर में सीखी थी, कैसे क्या बनता है। ये हमारी एक जर्नल एंट्री रह गई थी, जैसा कि हमने आप लोगों को बाद में बताया कि जब हम लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी सारे लेजर्स अकाउंट बनाने की, उसके बाद जाकर के हम लोग ये जर्नल एंट्री सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें इस चक्कर में पढ़ना नहीं है अभी। और यकीन मानिए बहुत ही आसान है, मैं चाहूँ तो अभी 2 मिनट में ख़त्म करा सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले आपके लेजर्स अकाउंट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें बहुत सारी अभी चीज़ें हमें सीखनी बाकी हैं, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए अवॉइड करेंगे, ठीक है। पहले हम अपने लेजर अकाउंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व किया था, आज जो है हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे चलते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दूं कि कहीं पे भी कोचिंग क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा पूरे बिल्कुल, ठीक है। आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं पूरे जो है लेक्चर्स एक एक क्वेश्चन एक एक जो जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, अगर आप लोगों ने ये पूरा लेक्चर पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो फिर आपसे कुछ छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसीलिए इसको बहुत ही शांति से, अब कहीं दिमाग इधर उधर मत चलाइएगा, अच्छे से इसको देखिए। कहीं कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी सब मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग ये लेक्चर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। अब सर ये देखिए ना, यहाँ पर आपने एक नया टॉपिक दे रखा है, पार्टनर लोन टू द फर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चे, इसका मतलब हुआ, अब ज़्यादा इसके डीप में हम नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे इसे कवर कर लेंगे, मगर हाँ ये लिखा है तो इसे समझाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो यहाँ पे सर बैलेंस शीट दी रहती थी, यहाँ पे बैलेंस शीट दी रहती थी हमारी, तो लाइबिलिटी असर दिए रहते थे, तो इसको यहाँ से हम कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो पार्टनर लोन टू द फर्म का मतलब हुआ कि जो पार्टनर्स हैं उन्हीं में से किसी एक ने जो है फर्म को लोन दिया है। सर अब ये कैसी आपने बात कर दी। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं हमारे, मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं, मिस्टर सी हैं, ठीक। ये तीनों मिल करके बिजनेस चलाते हैं अपना, ठीक है। शुरू में जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग इतनी इतनी कैपिटल लगाएंगे शुरू में। अब कुछ पैसा तो लगाना पड़ेगा, मान लेते हैं 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। इन लोगों ने 1-1 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी बिजनेस में। उसके बाद हुआ क्या, अब देखिए फ्यूचर तो अनअसर्टेन है, ये मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं, मगर फ्यूचर में हुआ क्या कि फर्म को और पैसों की ज़रूरत पड़ गई। ये दोनों पार्टनर जो है थोड़े गरीब थे, मान लेते हैं, अब 1 लाख दिए तो गरीब तो नहीं होंगे, मगर मान लेते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी की सी की थी। सी इन तीनों में सी सबसे ज़्यादा अमीर था, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद अपना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, तो कुछ दिन के बाद जो है हुआ क्या, फर्म को जो है लोन की ज़रूरत पड़ी, मतलब पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब इन तीनों ने डिसाइड किया कि भाई हमने 3 लाख रुपए बिजनेस में डाले, 3 लाख रुपए बिजनेस में डाले, मगर हमें जो है 1 लाख रुपए की और ज़रूरत है। तो अब ये तीनों क्या करेंगे, जाहिर सी बात है किसी बाहर वाले से उधार मांगेंगे, लोन मांगेंगे, ठीक है। तो जब इन तीनों ने डिसाइड किया कि हमें 1 लाख की और ज़रूरत है, तो उसमें सी बोला कि देख भाई तू बाहर से लोन लेगा, सी ने बोला, हम तीनों लोग बाहर से लोन लेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा इतना, ठीक है, तो क्यों ना वो लोन हम ही तुम्हें दे दें। बात समझना, ये कैपिटल तो इसने दी ये बात अलग है, मगर मिस्टर सी जो है कह रहा है ए बी से कि हम तीनों कहीं बाहर लोन ढूंढेंगे, लोन लेने जाएंगे बैंक के पास, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या, तो उससे अच्छा है कि क्यों ना मैं ही तुमको लोन दे दूं। बात समझिएगा, तो इस केस में क्या हुआ कि मिस्टर सी ने फर्म को लोन दिया। अब ऐसा भी कहीं कहीं हो सकता है कि फर्म ने मिस्टर सी को लोन दिया, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। तो जरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि अगर कोई पार्टनर
अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा, बात समझिएगा, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी कहलाएगी। देखिए लिखा है ना लोन बाय एक्स लाइबिलिटी साइड में, तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी साइड में दिया है तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है ना, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्म की लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको पे आउट करना पड़ेगा। अगर सर मान लीजिए यहां पे लिखा रहता लोन टू एक्स, तो जाहिर सी बात है लोन टू एक्स अगर यहां असेट में लिखा रहता यानी कि फर्म ने मिस्टर एक्स को लोन दिया है। अगर सर लोन यहां पे लिखा रहेगा, अगर यहां पे लोन है तो मतलब फर्म ने लोन लिया है, अगर असेट पे लोन है तो मतलब फर्म ने लोन दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये लोन बाई एक्स का मतलब समझ में आया होगा आप लोग को। यहाँ पे इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी क्या नहीं वो हम बाद में अभी बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक, आगे देखते हैं, इसको मैं हटा दूं। तो सर क्या हमें एक चीज बताइए, अगर यहां पर जो है ये लोन दिया रहेगा तो इसका भी ट्रीटमेंट बाकी सब जितनी भी लाइबिलिटीज है घर से बाहर निकालेंगे पेमेंट करेंगे क्या उसी तरह होगा क्या सर? बिल्कुल होगा, मगर इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कुछ बात और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि अगर यहाँ पर किसी पार्टनर का लोन दिया होगा, आप बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है ना, पार्टनर का लोन दिया होगा तब क्या होगा, अगर कोई बाहर, अब जाहिर सी बात है कोई बाहर वाला भी तो लोन दे सकता है ना, तो कोई बाहर वाला अगर लोन दिया होगा तब क्या होगा, इन दोनों में काफी चेंजेस हो जाएंगे। अब क्या चेंजेस होंगे बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन दिया होगा, किसका, पार्टनर, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और इसका लोन का ट्रीटमेंट वहीं पर होगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में पार्टनर के लोन का ट्रीटमेंट होगा। अगर सर यहां पर पार्टनर का लोन ना दे करके कोई बाहर वाले का लोन, किसी बाहर वाले का लोन दिया होता तब क्या करते, अगर सर यहां पर जो है ये पार्टनर का लोन ना दे करके किसी और का लोन दिया होता तब क्या करते, देखो अगर यहां पर किसी और का लोन दिया होता ना तो उसको हम जैसे बाकी सारी लाइबिलिटीज को घर से बाहर निकालते हैं फिर पेमेंट करते हैं उस तरह उसका ट्रीटमेंट करते, अगर पार्टनर का लोन दिया है तो इसका लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो जरा इसके बारे में हम देखते हैं ये कैसे होगा, पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए एक्स वाई जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2, 3:8, 1:8। अरे सर अब ये क्या बला हो गई, अब सर ये क्या बला हो गई, 1:8, 2:8, अब ये क्या बला है सर। अब देखो बेटा यहाँ पे PSR में भी आप लोगों को फंसाया है इसने, कैसे फंसाया है सर, अभी तक हम जैसा कि जानते थे ना, अभी तक हम जानते थे PSR कुछ इस तरह का दिया रहता था, PSR कुछ इस तरह का दिया रहता था सर, 2:1:1 दिया रहता था या 1:1:1 दिया रहता था, मगर सर यहाँ पर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसने आप लोगों को फंसा दिया, यहाँ पर कुछ इस तरह का दिया हुआ है, कैसे सर दिया हुआ है, आपका PSR दिया हुआ है 1:2, 1:2, आपका कैसे दिया हुआ है सर, यहाँ पर दिया हुआ है 1:2, 3:8, 1:8, 1:2, 3:8, उसके बाद क्या दिया हुआ है 1:8, ठीक है। अब सर कभी भी इस तरह का अगर दिया हो तब हम क्या करेंगे, सर इस तरह का कभी भी दिया हो तब हम क्या करेंगे, बेटा देखो सबसे पहले तो इसे सही करना, हमें इस तरह का PSR नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए सर, हमें ऐसा वाला चाहिए 2:1:1, मतलब इस टाइप में लिखा हो ऐसा, ये सर डिवाइडेड बाय 1:2, ऐसे इसमें जो है ये ताम झाम ना हो, तो इसको हम सही करेंगे। तो सर ये सही कैसे होगा, देखो इसके लिए बहुत ही अच्छी मैथ की नॉलेज आप लोगों को नहीं चाहिए, मैं भी जो है कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझको भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया। सर क्या शॉर्टकट बनाया आपने, ऐसे ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन अभी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कहीं पर भी आपको दिया हो तो सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो है ना ये जो सबसे बड़ा रहेगा, नीचे वाले में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको आप पहले ले लें 8, ठीक है। अब इसको इसके बराबर करें, सर ये क्या बला है, अब ये इसके बराबर कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा,
इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 8 बन जाए, 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 8 बन जाए, ये जाहिर सी बात है, इनटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 8 बन जाएगा ना सर? हाँ बन जाएगा, यानी कि हमने नीचे को कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से किया, तो ऊपर को कितने से कर दें, इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, समझ में आया? तो यानी कि ये सर क्या बन जाएगा, सर ये 4/8 बन जाएगा, ये कितना है 3/8 हो गया, ये कितना है 1/8 हो गया, अरे सर ये नीचे का तीनों बराबर हो गया, अरे बेटा जब बराबर हो गया तो ये तीनों को काट दे, और हमारा पी एस आर कितना बचा 4:3:1। एक बार इसको हम और देखते हैं अभी, ठीक है, यानी कि सर हमारा अच्छा वाला पी एस आर कितना आया 4:3:1, ये हमारा ओरिजिनल पी एस आर है, इसे हमें निकालना पड़ेगा। सर एक बार और समझाइए ना, देखो बच्चे देखो, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया होता 1/2, ठीक है, 2/6, ठीक है, उसके बाद दिया रहता 3/12, 1/2, 2/6 और ये 3/12 दिया रहता हमें। तो सर अब ये देखो तीनों अलग है, सच सच बताना अलग है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल अलग है, तो क्या करेंगे, इसे तो अब हमें सही करना पड़ेगा ना। तो ये कैसे सही होगा, सबसे पहले आप इस 12 को पकड़ो, ठीक है, अब देखो इन इन दोनों में से किसी एक को ले लो, सर 6 को कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 12 हो जाए, सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 12 बन जाएगा, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये हमारा कितना हो गया 4/12 बन गया, और ये 3/12 तो था ही था, मगर ये अभी भी कितना है हमारा 1/2 है ना, तो क्या ये सही है? नहीं सर, इसको बराबर करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई कर दे 2 को, 12 हो जाए, सर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, यानी ऊपर वाले को भी 6 से कर दें, हाँ बिल्कुल कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 6/12, 4/12, 3/12, ये आपका पी एस आर हो गया, नीचे के तीनों बराबर हो गए, इनको हटा दो, आपका ओरिजिनल पी एस आर क्या हुआ 6:4:3। अब इसके लिए काफ़ी मैथ के फॉर्मूले होते हैं, या तो ये आसान वाला सीख लो, वरना जाके मैम मैथ का फॉर्मूला सीखो और उसमें जो है ढेर सारी कहानियाँ गाओ, वो मेरे बस की बात नहीं है, हमें ये शॉर्टकट आता है, हम इसी तरह करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, तो सर अब यहां पर इसको कैसे वो अप्लाई करेंगे, देखो जैसा हमने बताया, सर अब यहां पर इसको कैसे ये करेंगे सही, सॉरी इसको कैसे करेंगे, सर ये पहले बड़ा वाला ले लेंगे 8, इसको देखेंगे, अरे सर ये ऑलरेडी 8 है तो इसमें हमें इन दोनों में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, अरे सर ये 2 है, अब 2 को 8 के बराबर बनाना है, 8 बनाना है ना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4/8, 3/8 और वो 1/8, तीनों 8 को काट दिया, पी एस आर आपका क्या हो गया 4:3:1 हो गया, समझ में आया होगा। ठीक है, अब जरा बैलेंस शीट हम देखते हैं, एक्स वाई जेड व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, भूल जाना इसको अब, रिस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2012 दे एग्री टू डिजॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म व्हेन देयर पोजीशन वॉज एज फॉलो, ये इनकी पोजीशन थी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, मशीनरी थी, बुक डेट थे, प्रोविजन था, उसके बुक डेट मतलब क्या होता है, ये बुक डेट है या ये कह लो डेटर लिखा है आपका, ये डेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, बुक डेट का मतलब डेटर्स होते हैं, स्टॉक कैश लोन टू जेड, अब जरा देखना यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिया है लोन टू जेड, यानी कि फर्म ने जेड को लोन दिया है, यानी जेड से पैसा लेना है हमको, बात समझना बिल्कुल ही ध्यान से, ठीक है ना, जेड से पैसा लेना है, इधर देखो रिजर्व फंड है, लोन बाई एक्स, अरे वाह लोन बाई एक्स, अब यहां पे क्या है, फर्म एक्स ने फर्म को लोन दिया है, यहां पे क्या था, फर्म ने जेड को लोन दिया है, फर्म ने जेड को लोन दिया है, मगर यहां पर एक्स ने फर्म को लोन दिया है, यहां पर फर्म ने क्या किया है, लोन दिया है, यहां पे क्या किया है, लोन लिया है, ठीक है ना, क्रेडिटर दिए हैं सर, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब जरा देखते हैं, असेट रियलाइज एज फॉलो, फ्री हॉल प्रॉपर्टी इतने की बिकी, मशीनरी इतने की बिकी, बुक डेट जो थे 10% लेस पे बिके, ठीक है, ये बुक डेट थे 10% लेस पे बिके, स्टॉक 120, गुडविल 40 का बिका, गुडविल 40 की, क्रेटर वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5% एंड एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, रेंट इतने का था आउटस्टैंडिंग, रेंट रुपीज इतना वॉज आउटस्टैंडिंग, इट हैड टू बी पेड,
ठीक है, अब देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। अब यहाँ पे जरा एक चीज देखना दिया है, रेंट 3000 वाज आउटस्टैंडिंग एंड हैड टू बी पेड, मतलब कि ये जो है 3000 का रेंट आउटस्टैंडिंग था जो कि लायबिलिटी में हमारे नहीं दिख रहा था, मगर अब उसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी रखी थी। सर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर आपने बताया था ना कि पहले ये सारे असेट को घर से बाहर निकालो, ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमने घर से बाहर निकाला, ये किधर है, क्रेडिट साइड है, तो इसको हम डेबिट साइड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमने घर से बाहर निकाला 180 के, ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी निकल गई घर से बाहर। मशीनरी को निकाले 120 की, सर मशीनरी को भी निकाल लिया, उसमें क्या दिक्कत है, निकाल लिया ना, ठीक है सर, मशीनरी भी निकल गई, सर मशीनरी को भी घर से बाहर निकाल लिया। उसके बाद सर ये बुक डेट दिए हुए थे ना, बुक डेट, इनको भी घर से बाहर निकाल लिया 160 के, बुक डेट को भी चलो घर से बाहर निकाल लेते हैं, ये बुक डेट आपका दिया हुआ है 160 के घर से बाहर, थोड़ा जूम कर देते हैं हम ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। सर बुक डेट को आपने निकाल लिया। सर ये जो आपने बताया था अगर ये प्रोविजन यहाँ पे दिया हो ना तो वो इधर का हिस्सा होता है, तो सर हमें बेवकूफ मत बनाइए, प्रोविजन को काटिए यहाँ से और यहाँ पे प्रोविजन लिख दीजिए, कितना लिख दें बच्चे, 10,000 यहाँ पर सर प्रोविजन लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दिया, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। सर स्टॉक को नहीं निकालिएगा क्या, नहीं बिल्कुल निकालेंगे, 130 का स्टॉक घर से बाहर निकालेंगे, भाई क्यों नहीं निकालेंगे, देखो ये स्टॉक घर से बाहर निकला 130 के, दिख रहा है ना, 130 के स्टॉक घर से बाहर निकले हैं। उसके बाद सर कैश को नहीं निकालेंगे क्या, अरे भाई कैश को कहीं बेचते हैं हम लोग, नहीं नहीं तुम बताओ कैश को बेचे हम, नहीं बेचे ना, कैश थोड़ी ना बिकता है सर, कैश को तो घर से बाहर हम कैश को नहीं निकालेंगे। अच्छा सर, सर ये इसको लोन टू जेड, इसको घर से बाहर निकाले क्या, नहीं नहीं देखो बेटे अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ये जो लोन टू जेड दिया है ना, ये हमें क्या करना है, हमें ये करना क्या है एक्चुअली में, जेड से लोन, हमने जेड को लोन दिया था उससे पैसा लेना है, ठीक है ना, तो जब भी ये पैसा लेने या देने की बात आएगी, जरा यहाँ पे पहले देखना, अगर फर्म ने लोन किसी से लिया है, अगर लिया है तो उसका अकाउंट बनेगा, अगर पार्टनर से लिया है तो पार्टनर का अकाउंट बनेगा, अगर कोई बाहर वाला है तो उसको हम नॉर्मली जैसे सारी लाइबिलिटीज को निकालते हैं वैसे निकालेंगे, फिर उसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर जो है किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो उसका अकाउंट बनेगा, उसे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के टाइम छूने की जरूरत है ही नहीं, ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई सर। अच्छा सर, अगर ये लोन टू जेड दिया है तो, यानी कि अगर फर्म ने जेड को लोन दिया है तो क्या करेंगे सर, इसको हम अब बाकी असेट के साथ बाहर नहीं निकालेंगे, जी नहीं बिल्कुल नहीं निकालेंगे सर, ऐसा क्यों, देखो जितने भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं, जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब उसमें लिखते हैं हम लोग, लोन लेना, लोन देना, ये सब जो है सब यहाँ को इसमें लिखेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिकली जो लोन फॉर्म के नज़रिए से जो लोन पेमेंट करना है उसके लिए तो अलग अकाउंट बनेगा, मगर जो पार्टनर से लोन फॉर्म को लेना है उसका ट्रांजेक्शन हम उसके ट्रांजेक्शंस कहाँ करेंगे, उसको पार्टनर कैपिटल में करेंगे। सर यहाँ क्यों करेंगे, देखो ना, जब यहाँ पर हम सारे बैलेंस बीडी करते हैं, रिजर्व प्रॉफिट का बैलेंस उनको देते हैं, ठीक है, वो सब हम उनको देते हैं, तो वहाँ से उनके पैसे में से हम काट लेंगे उसको, थोड़ा हम अभी इसको स्किप करते हैं पॉइंट को, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सर ठीक है, चलिए ये सब तो हम लोगों ने निकाल लिया, कैश को घर से बाहर निकालेंगे नहीं, इसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा, लोन टू जेड इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होगा। सर अब लाइबिलिटी साइड की बात कर लेते हैं। सर पहला रिजर्व फंड दे रखा है, ठीक है, तो सर क्या इसको निकालेंगे बाहर, अरे भाई छूना मत इसको, रिजर्व फंड का मतलब होता है कि कभी फ्यूचर में, देखो अब रिजर्व ये कैसे बनता है, ठीक है, मान लो कि पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है आपके, और पार्टनर को कुछ प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ था, जैसे कि यहाँ होता है ना पीएल बनाते हो तो नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब पार्टनर ने डिसाइड किया कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हम लोग 10% रिजर्व बना देंगे, जैसे कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है
तो इसका हम लोग 10% यानी कि 20,000 का रिजर्व क्रिएट कर देंगे, यानी कि हम लोगों ने एक पैसे को जेब से निकाल करके दूसरे जेब में रख लिया, ठीक है। जैसे कि हमारा इस जेब में पैसा था, उस जेब से निकाल के हमने दूसरे जेब में रख लिया। अगर ये बताओ, अगर ये रिजर्व ना क्रिएट होता, अगर ये रिजर्व नहीं बनता, तो ये पूरा नेट प्रॉफिट का हिस्सा किसका था? ये पार्टनर्स का था हिस्सा, पूरा ये प्रॉफिट का हिस्सा किसका था? पार्टनर्स का था ये पूरा हिस्सा, ठीक है। तो अब जब ये रिजर्व बन गया, तो ये रिजर्व भी किसका होगा? ये पार्टनर का ही होगा। तो सर इसका ये क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो, जो चीज पार्टनर की है, जो चीज पार्टनर की है वो पार्टनर को देंगे, ठीक है ना। इसको कहीं हम घर से, इसको तो बेचना है नहीं, इसको तो हम डायरेक्टली पार्टनर को दे दें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये लोन का हमने ट्रीटमेंट किया पार्टनर के कैपिटल में, उसी तरह रिजर्व, जितने भी आपके रिजर्व दिए होंगे उन सब का ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? पार्टनर के कैपिटल में उनका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, किसी भी प्रकार का रिजर्व दे सकता है, एडवर्टीजमेंट रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह 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 कुछ भी दे सकता है, ठीक। अभी हम इसका कुछ शॉर्ट नोट बता देंगे या इसको हम एक बार में बोल देंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समरी इसकी हम बता देंगे अभी। तो सर ये रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा? ये रिजर्व ना सर, ये पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट में डायरेक्टली जाके बढ़ जाएगा। डेबिट है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे पूरा, इसको बांट देंगे उनमें इक्वली, ठीक है। लोन बाय एक्स, सर इसकी तो बात ही मत करिए, इसका अलग से अकाउंट बनना है, तो इसको हम छेड़छाड़ अभी इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर की बात कर लेते हैं, कितने हैं? 80,000 के क्रेडिटर है। इनको घर से बाहर निकाले? बिल्कुल निकालेंगे क्रेडिटर को घर से बाहर, ठीक है। ये देखें, क्रेडिटर निकले घर से बाहर 80,000 के। उसके बाद कैपिटल, सर ये खुद का कैपिटल अकाउंट बनेगा, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होगा। प्रोविजन 10,000, बिल्कुल निकालेंगे भाई, प्रोविजन को क्यों नहीं निकालेंगे घर से बाहर? प्रोविजन को हम लोग घर से बाहर निकालते हैं, ये प्रोविजन को घर से बाहर निकाला, ठीक है। जहाँ तक देखिए, अब सब कुछ जो है हमारा घर से बाहर निकल चुका है, अब सिर्फ हमें बेचना बेचना है, ठीक। सर एक बार ये इसको और समझा दीजिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने आखिर सीखा क्या? इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान सी बातें सीखी सर। इस क्वेश्चन में पहली चीज हम लोगों ने ये सीखी, क्या सीखी? कि अगर कोई पीएसआर ऐसे दिया हो तो उस पीएसआर को सही करना हम लोगों ने सीखा। दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका लोन अकाउंट बनेगा। अगर किसी फर्म ने, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो वो लोन का ट्रीटमेंट सीधा कैपिटल अकाउंट में होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होगा। और अगर कोई रिजर्व वगैरह दे रखा है या कोई किसी भी टाइप का रिजर्व, सस्पेंस अकाउंट कोई दे रखा है, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? पार्टनर के कैपिटल में होगा। बस ये तीन चीज हम लोगों ने सीखी यहाँ पे, ठीक। सारे एसेट को निकाल लिया, सारे लाइबिलिटीज को बाहर निकाल लिया। अब क्या करें हम? अब देखना शुरू करते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की बिकी? 2,20,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिकी, ठीक है। तो सर ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की बिकी है? 2,20,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिकी पहला। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को आप लोग यहाँ से काट दें, इसका ट्रीटमेंट हो गया। सर मशीनरी कितने का बिका? 1,10,000 का बिका मशीनरी। कितने का? देखो मशीनरी 1,10,000 का मशीनरी बिका, तो ठीक। तो मशीनरी को काट दें आप लोग, मशीनरी कितने का बिका है? 1,10,000 का यहाँ मशीनरी बिक गया हमारा। उसके बाद देखो ना, बुक डेट कितने के बिके? 10% लेस। बुक डेट थे 1,60,000 के, 10% लेस यानी 16,000 कम में। तो 1,60,000 में से 16 गया कितना? 144 के बुक डेट बिक गए हमारे, ठीक है। बुक डेट को काट दो आप लोग। उसके बाद जो है स्टॉक, 1,20,000 का बिका है, स्टॉक को काट दो। स्टॉक यहाँ पे देखो कितने के बिक गए? 1,20,000 के स्टॉक बिक गए हमारे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद बताइए सर। उसके बाद देखो क्रेडिटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। क्रेडिटर कितने के पेड ऑफ हुए हैं? 2.5% डिस्काउंट पे पेड ऑफ हुए हैं। क्रेडिटर थे कितने के? 80,000 के थे क्रेडिटर। अब कोई चीज पे करेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे उसको? डेबिट साइड में। पैसा जा रहा है ना हमारा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो सर ये क्रेडिटर कितने के गए? देखो क्रेडिटर थे कितने के हमारे, जरा ध्यान देना। क्रेडिटर हमारे कितने के थे? क्रेडिटर थे हमारे 80,000 के क्रेडिटर थे, माइनस 2.5% यानी 60,000 में पे हुए हैं। तो हमने क्रेडिटर को कितना दिया? कैसे दिया? टू कैश करके दिया। एक्सक्यूज मी, कितना दिया है ये? क्रेडिटर कितने के हैं? 80,000 के हैं। 2.5% डिस्काउंट, 80,000 माइनस 2.5%। एक मिनट, कितना?
80,000 माइनस 2.5% 60,000। पॉइंट हम दबा ही नहीं रहे, मेरा पॉइंट काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। 80,000 माइनस 2.5% 78 के बी के, सॉरी वो पॉइंट मेरा दबा नहीं था, 25% माइनस हो जा रहा था, ठीक है। तो हमारे क्रेडिटर कितने के पेड हुए, टू कैश क्रेडिटर पेड कितना 78,000। अब टू कैश करके सब हम लिखेंगे, जरा ध्यान देना सर, यहाँ टू कैश क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा कैश का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में। अगर बैंक लिखा होता तो ये जो है बाई बैंक लिख के सारे असेट बेचते, बाई बैंक लिख के सारा ये पेमेंट करते, मगर जो कि कैश दे रखा है तो टू कैश से सारी एंट्रीज हमारी हो रही है, ठीक है। ये बात ध्यान देना एकदम बहुत ही गौर से, ठीक है सर। ये हो गया क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, ठीक है। तो क्रेडिटर को सर हम काट देते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया। अब एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 5,000, अरे ठीक है ना, 5,000 एक्सपेंस है तो इसका भी पेमेंट कर देते हैं हम, टू कैश करके एक्सपेंस पेड 5,000। बोलता क्या है कि 3,000 के आउटस्टैंडिंग क्या था, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, उसको हमने हैड टू बी पेड, अब पेमेंट हुआ। अरे पेमेंट हुआ तो पैसा गया, पैसा गया तो कोई सोचना ही नहीं है, यहाँ सीधा लिख दो ना, पैसा गया 3,000, कहानी खत्म हो गई। हमें नहीं लगता कहीं दिक्कत होगी, हमें नहीं लगता कहीं दिक्कत होगी अभी तक यहाँ पे आपको। एक्सपेंसेस पेड हो गए सर, सब कुछ खत्म हो गया अभी तक तो, सर सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है ना। ये सारे हमने ट्रीटमेंट कर लिए, यहाँ से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मशीनरी बुक डेट प्रोविजन सर वहाँ गया था, उसको हम लोगों ने लिख लिया, ये हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी होती नहीं है, इसलिए हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो इसे भी हम काट देते हैं। कैश सर कैश अकाउंट में जाएगा, लोन टू जेड है वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिजर्व फंड ये कैपिटल अकाउंट में जा करके बढ़ जाएगा, हमने बताया अभी आप लोग को। लोन बाय एक्स है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका लोन अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर सर हम लोगों ने खत्म कर दिए, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में जाएगा। सर सारी चीज़ें खत्म हो गई, यानी कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया। अब हम क्या करें, इन सबको प्लस कर लिया तो इतना बैलेंस आया, इन सबको टोटल कर लिया सारे असेट को तो ये बैलेंस आया, इन दोनों को प्लस कर दें इतना आ जाएगा, सारी चीज़ें माइनस करेंगी तो इतना बैलेंसिंग फिगर आएगा। हमने बताया अगर इधर कभी भी जो है बैलेंसिंग फिगर आए तो वो आपके प्रॉफिट का होता है। सर ये जो प्रॉफिट आया किस रेशियो में बटेगा, ये रेशियो जो आपने कैलकुलेट किया था 4:3:1, इसमें मत बांटने बैठ जाना इंटू 1/2 इंटू 3/8 करके, नहीं वरना गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो 48 का प्रॉफिट आया है ये किस रेशियो में बटेगा, 4:3:1 में बटेगा। तो सर ये 4:3:1 में बांट दिया, अब इसको टोटल करके ख़त्म कर दो, हमारा क्या बन के तैयार हो गया, क्या बन के तैयार हो गया, हमारा जो है रिवैल्यूएशन सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया। सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद देखो सबसे पहला आप कुछ भी कर सकते हो, या तो कैपिटल अकाउंट बना लो या तो पार्टनर का लोन अकाउंट बना लो। तो सर पहले हम लोन ये जो इसका ये पहले ये लाइबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं ना, तब आराम से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है, ख़त्म कर लो पहले, क्या दिक्कत है, हमने कब मना किया। तो सर ये जो पार्टनर ये जो फर्म ने लोन लिया है ना पार्टनर से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान देना, अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया होगा किसी पार्टनर से तब उसका लोन अकाउंट बनेगा। अगर कोई बाहर वाला लोन देता जैसे मिस्टर एम है मिस्टर ए है मिस्टर बी, वो पार्टनर नहीं है फर्म के, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, जैसे सारी लाइबिलिटीज आप लोगों ने इधर निकाली वैसे निकालेंगे और उधर यहाँ पे टू कैश या बैंक करके उसका पेमेंट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जो कि ये पार्टनर का लोन है इसलिए, जो कि ये पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इसलिए हम इसका लोन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। सर लोन अकाउंट कैसे बनेगा, सीधा एक्स लोन अकाउंट, सबसे पहले ये बैलेंस हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे, लाएंगे ये किधर का बैलेंस है, डेबिट है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। अब सर ये क्या होगा, जाहिर सी बात है पेमेंट होगा ही, चलो इसको पेमेंट कर दो, अब टू कैश करके पेमेंट करके हमने ये लाइबिलिटी भी अपनी खत्म कर दी, हमने ये लाइबिलिटी भी अपनी क्या कर दी, खत्म कर दी, ठीक है। सर लोन अकाउंट बन करके तैयार हो गया, अब क्या करें सर, अब चलो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, दिक्कत क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले आप लोग जो पुरानी बैलेंस शीट दी होगी ना उसमें झांकना, एक्स वाई जेड का कितना कैपिटल है, 2,01,50,120, ये फॉर्मेट आप लोग को पता होगा, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड जितने भी पार्टनर रहेंगे। तो सबसे पहले सर क्या करते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं, जैसे ये लोन का किया था 2,01,50,120 कर लिया हम लोगों ने। सर अब क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम आप लोग पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे, सर क्या इसमें कोई रिजर्व फंड दिया है, कोई भी रिजर्व फंड दिया हो, ध्यान से सुनना, कोई भी रिजर्व फंड दिया हो, कोई सस्पेंस अकाउंट दिया हो, इसको याद कर लेना, ठीक है, रिजर्व फंड दिया हो सस्पेंस अकाउंट दिया हो, वो दोनों का बैलेंस
या कोई पीएल का बैलेंस दिया हो। क्या क्या, जरा ध्यान से सुनना, कोई भी रिजर्व का आगे आएंगे, कोई भी शॉर्टकट है ये, ध्यान ध्यान से याद कर लो, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, कोई भी रिजर्व का, कोई भी सस्पेंस अकाउंट, किसी भी रिजर्व का बैलेंस, किसी भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, कोई भी पीएल का बैलेंस, चाहे यहां हो चाहे यहां हो। अगर यहां पर है, क्रेडिट साइड है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बटेगा, अगर डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड में बटेगा। किस रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। बस ये चीज ध्यान रखना आप लोग, बस ये तीन ही बैलेंस आते हैं, ठीक है, और कोई बहुत रेयर केस है और कोई बैलेंस होगा, या रिजर्व हो, या सस्पेंस अकाउंट हो, या पीएल हो, इन तीनों में से कोई हो। अगर कहां पे है, अगर सर इस साइड दिया है लायबिलिटी साइड, तो पार्टनर कैपिटल, यानी कि ये डेबिट साइड दिया है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के समय क्रेडिट साइड बटेगा। अगर कोई इधर दे रखा है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कोई असेट साइड दे रखा है यानी क्रेडिट साइड, तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में बटेगा। ये बात ध्यान रखना, ये तीन बैलेंस आएंगे, इनके अलावा और कोई आएगा नहीं, जहां तक हमें लग रहा है और हमें पता है, ठीक है, इसके अलावा और कोई बैलेंस आएंगे नहीं। तो सर अब क्या करें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय हम लोगों ने बैलेंस बीडी तो कर लिए, बहुत अच्छी बात है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लोगों ने कर लिया तो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ करना नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो अब खत्म होने वाला है। अब आपका क्या काम क्या रहेगा, ये रिजर्व का जो बैलेंस दिख रहा है ना, रिजर्व का ये 40,000, ये ओल्ड पीएसआर में बांट दो 4:3:1। सर ये बाय रिजर्व फंड, कौन सा बैलेंस, रिजर्व फंड का बैलेंस 20, 15, 5, 4:3:1 में बढ़ गया ये, ठीक है, ये निकाल लेना आप लोग, इतना तो निकाल ही लोगे उम्मीद करते हैं। हमारा ये भी सर बट करके खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब बैलेंस शीट में देखो कुछ और बांटने लायक है, कोई सस्पेंस अकाउंट है नहीं सर, कुछ नहीं है, कोई पीएल का बैलेंस है ना, इधर है ना इधर है, तो अब ये हमारे लिए बैलेंस शीट बेकार हो गई। अब हम किस में झांकेंगे, अब हम कहाँ आएंगे, अब हम आएंगे कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हम देखेंगे, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट अब हम देखेंगे, क्या यहाँ पर किसी पार्टनर का वो है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम दिया है, यहाँ से देखना शुरू करते हैं, ये क्रेडिट साइड वाले से इधर देखें, कोई नाम है नहीं है, कोई नाम है पार्टनर का, कोई नाम नहीं दिया है, इसको छोड़ दो। अब डेबिट साइड में देखो, कोई नाम है पार्टनर का, नहीं है, इधर कोई नाम है, हाँ सर ये प्रॉफिट बटा था ना ये तीनों में, ये है तो ठीक है, किधर है, डेबिट साइड है, तो इसको क्रेडिट साइड लाओ। 24, 18, 6 नाम ढूंढना है बस हमें, 24, 18 से 6 बिक गया। सर हेडिंग क्या लिखेंगे, कहाँ से आया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर आपने यहाँ बैलेंस शीट क्यों नहीं लिखा, ये तो बैलेंस शीट से आया था, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट 24, 18, 6 ये हमें मिला यहाँ पे बैलेंस, ठीक है, पार्टनर का नाम ढूंढा हमने, तो यहाँ पे नाम मिला एक्स वाई जेड का, 24, 18, 6 मिला। उसके बाद इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, क्रेडिट साइड का बैलेंस था, क्रेडिट साइड का बैलेंस था, तो इसको हम लोगों ने कहाँ लिख दिया, ये डेबिट साइड में लिख दिया यहाँ पे, सॉरी डेबिट साइड का बैलेंस था, इसको हम लोगों ने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है, अगर कोई क्रेडिट साइड का होता उसको कहाँ लिख देते, डेबिट साइड में लिख देते। तो सर ठीक है, ये इतना तो हो गया, इतना तो पता चल गया हमें, 24, 18, 6 यहाँ नाम क्या लिखेंगे, यहाँ कहाँ से आया है बैलेंस, कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से आया, तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। सर यहाँ पे ये रिजर्व फंड का बैलेंस तो बैलेंस शीट से आया था, तो आपने यहाँ बैलेंस शीट क्यों नहीं लिखी थी। अरे बेटा देखो ऐसा नहीं होता है, अगर बैलेंस शीट से कोई चीज़ आएगी ना, तो जो चीज़ आएगी उसका नाम लिखना है। सर एक बार और बताइए, अगर बैलेंस शीट से कोई चीज़ पार्टनर कैपिटल में आती है, तो जो चीज़ आ रही है उसका नाम लिखेंगे, अगर पीएल आता तो पीएल का नाम लिखते, और बाकी जो है और किसी केस में उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिस अकाउंट से बैलेंस आया है, ठीक है। सर ये तो हो गया, समझ गए। सर और कहीं कुछ करना है क्या, हाँ अब जरा देखना, अब यहाँ पे आओ, बैलेंस शीट देखो, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था ये, अच्छा ये था, हाँ अब सर यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट में देखो, देखो सर एक चीज और दे रखी है, लोन टू जेड दे रखा है। यहाँ पे तो हमने एक्स का अकाउंट बना दिया था, मगर यहाँ पर इसका अकाउंट नहीं बना था, इसका कोई घर नहीं है अभी तक, तो इसको तो एक घर देना पड़ेगा ना, इसको कहीं ना कहीं तो लेके जाना पड़ेगा ना, इसका तो हमने घर बनाया था,
कि इसका अकाउंट खुद का बनेगा, ये अपना खुद का घर बनाएगा, मगर बेचारा ये तो ऐसा नहीं कर सकता ना, खुद का घर तो ये बना नहीं सकता है। तब क्या करेंगे, इसको कहीं तो देना पड़ेगा, तो इसको कैपिटल अकाउंट में जगह देंगे हम, ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। लोन टू जेड कहाँ पे आएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा डायरेक्टली, क्योंकि इसको रिवैल्यूएशन ने भी स्वीकार करने से मना कर दिया है, भैया दूर रहो दूर रहो, ये बेचारा अपना खुद का घर भी नहीं बना सकता है। खुद का घर बनाएगा जैसे इसने बनाया था, नहीं, इसके पास हिम्मत ही नहीं है, ये खुद ही नहीं बना सकता, ये बेचारा खुद ही कर्जे में डूबा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, खुद ही कर्जे में। इसको तो पैसा लेना था ना, तो ये कहता है भैया हम अपना खुद का घर बना लेंगे, मगर ये तो बेचारा खुद ही कर्जा लेकर के बैठा है जेड, ये कहाँ घर बना पाएगा, तो इसको कहीं ना कहीं घर देना है, तो वो घर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में इसको जगह देंगे। तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आ जाएगा, कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा आपका, डेबिट साइड किसके में, जेड में आएगा, जेड का है ना, तो जेड में आएगा। कहाँ पे आएगा, टू लोन टू जेड करके 20,000 लिख देंगे, ठीक है। और कुछ बचा सर, अब कहीं पर भी कोई भी कुछ नहीं बचा है, अब इसको सीधा हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है। सबसे पहले एक्स का इन तीनों को जोड़ दिया, ठीक है, इधर तो कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो टोटल लिख दिया, जोड़ दिया, माइनस करने के लिए है नहीं, टोटल लिख दिया, जोड़ दिया, माइनस करने के लिए एक चीज़ है 20,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर टोटल लिख दिया। सर इसको हम नाम क्या देंगे, देखो भाई सीधी सी बात है, एक्स को कितना देना था, 2,00,000 देना था, रिजर्व फंड का इतना देना था, इतना देना था इसको रियलाइजेशन के प्रॉफिट का। अरे जब इतना इतना देना है तो इधर दे के ख़त्म कर दो ना, 2,44,000, नाम क्या लिखेंगे, टू कैश में दे के ख़त्म कर दो। अगर बैलेंस शीट में हमारा बैंक लिखा होता, टू बैंक लिख देते हम, ठीक है ना। इसी तरह इसका करेंगे, इसी तरह इसका करेंगे, ये माइनस करने के बाद, ठीक है, यानी कि इसको देख लेना एक बार, इसको समझ लेना, इतना कैपिटल का इसको देना था, रिजर्व फंड का इतना देना था, रियलाइजेशन के प्रॉफिट का इतना देना था, और फर्म ने उसको जो लोन दिया था ना, ये लोन वहाँ पर माइनस हुआ है, ये लोन का अमाउंट इधर माइनस हुआ है, जो देना है क्रेडिट साइड, जो लेना है डेबिट साइड, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको दे दो बेचारे को, अगर सर इधर कोई बैलेंसिंग फिगर आता तो यहाँ पर जो है हम बाई कैश लिख देते, उससे ले लेते, हो सकता है यहाँ का ज़्यादा हो जाए, इधर का कम आ जाए, इधर का अगर कम आ जाए तो यहाँ जो है बाई कैश करके पैसा उससे ले लेते। ये चीज़ समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। अब क्या बना लें, अब कैश अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। सर कैश अकाउंट कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम हमें ये जो हमारी ये बैलेंस शीट दे रखी थी ना, उसमें जाना है। सर यहाँ से सब चीज़ें निकल गए, लोन टू जेड फलाना ढिमाका सब निकल के आ गया, सर ये कैश रह गया था 20,000 का, इसको इसका खुद का घर है ना, खुद का घर है तो इसको इसके घर में ले आओ। किधर का बैलेंस था, क्रेडिट साइड का था, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस बीडी आएगा। उसके बाद सर अब हम क्या देखना शुरू करेंगे, अब तो यहाँ कहीं कुछ लाना है नहीं, अब सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट देखो कहाँ कहाँ कैश लिखा है, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी मशीनरी नहीं, इधर कहीं कैश लिखा है, हाँ सर ये पहला कैश लिखा मिल गया 78,000 का, दूसरा कैश 5,000, तीसरा कैश 3,000, यानी 78,500 डेबिट साइड में है, तो इसको क्रेडिट साइड में ले आओ, 78,500, नाम क्या लिखेंगे इसके आगे, बाय रियलाइजेशन से आया है तो बाय रियलाइजेशन। इधर ख़त्म हो गए सर, बिल्कुल ख़त्म हो गए सर। यहाँ पे देखते हैं अब कैश लिखा है, कैश लिखा है नहीं लिखा सर, लिखा है नहीं लिखा सर, ये कैश लिखा है, इन तीनों ये सारा कैश है, सारे कैश में है, ठीक है, टू बाय कैश के नीचे ये सारा है, तो सारे के टोटल को 6,34,000 कहाँ पर लेके आएंगे सर, क्रेडिट साइड में है तो सर ये कैश में, ये डेबिट साइड में लाएंगे 6,34,000, नाम क्या लिखेंगे, जहाँ से आया है उसका नाम लिखो, ठीक है। देखना जो बैलेंस शीट से जो बैलेंस निकल करके आते हैं वो बैलेंस का नाम लिखा जाता है, और कहीं से होता है तो जिस अकाउंट से निकल करके आया है उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। एक बार और, अगर बैलेंस शीट से कोई बैलेंस निकल करके आता है तो जो बैलेंस के आगे नाम लिखा रहेगा हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। अगर और कहीं किसी अकाउंट से कोई बैलेंस निकल करके आता है तो जिस अकाउंट से निकल करके आया है उस अकाउंट का नाम लिखेंगे हम लोग। तो सर ये इधर भी हो गया, ठीक है, ऊपर का खत्म हो गया, ये आपने जो है रियलाइजेशन अकाउंट के सारे बैलेंस को देख लिया, चेक कर लिया, अब कहीं पर भी कैश नहीं है। अब एक कदम नीचे आते हैं, अब देखो ना ये एक कैश लिखा है यहाँ पे, किसका किसका कैश लिखा है, किधर लिखा है सर, डेबिट साइड, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, नाम क्या लिखेंगे, एक्स लोन अकाउंट, देखो ना एक्स लोन अकाउंट क्रेडिट साइड में 30,000 का बैलेंस, ठीक है सर ये भी खत्म हो गया। यहाँ देखते हैं सर, अब
ये सर ये एक बचा है, टू कैश लिखा है, एक्स का वाई का जेड का, कहाँ से आया है, कैपिटल अकाउंट से, तो एक्स के वाई के जेड से कैपिटल अकाउंट से ये बैलेंस आया है 244,183, 1,11,000 हो गया ना। बस अब आपके ये अकाउंट दोनों टैली हो गए और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। सर इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अब एक बार इसकी समरी देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अगर कोई रिजर्व फंड का बैलेंस दिया रहता है, कोई रिजर्व फंड का बैलेंस दिया रहता है, कोई सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया रहता है या कोई पीएल का बैलेंस दिया रहता है, तो उसको हम कहीं पर भी टच नहीं करेंगे, वो सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जा करके बट जाएगा। पहली बात तो ये हम लोगों ने सीखी। दूसरी बात सीखी कि सर अगर ऐसा पीएसआर दिया हो तो सबसे पहले उसको ठीक कर दो पीएसआर को, ठीक है। तीसरी बात क्या सीखी, तीसरी बात हमने ये सीखी कि सर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो खुद का घर बनाएगा, खुद का लोन अकाउंट बनाएगा, लोन अकाउंट बनेगा, एक्स लोन अकाउंट बनेगा, फिर ये उसके डेबिट साइड क्रेडिट साइड में जाएगा, डेबिट का बैलेंस है क्रेडिट में, फिर टू कैश करके सर पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सर कोई फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, तब अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो ये सीधा उसके कैपिटल अकाउंट में जाके इसका ट्रीटमेंट होगा, जैसे कि ये रिजर्व फंड सस्पेंस एडवर्टीजमेंट पीएल का जो है हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उस तरह इसका ट्रीटमेंट डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कहीं कुछ टच नहीं करना। बस यही था, हम लोगों ने ये सब सीखे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20-22 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा। पहले दूसरे क्वेश्चन तक बहुत ही प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत तो नहीं कह सकते। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग करेंगे ना, सारे कुछ समझ में आते जाएंगे, ठीक। जर्नल एंट्री हम लोग लास्ट में सीखेंगे सबसे। ओके ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।